अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जियोग्राफी का सिक्स चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको उसका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगी। स्टूडेंट्स, इसका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 76 पर आएँ। यहाँ देखें, ये टॉपिक लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। इसमें से ये पेज नंबर 76 से 77 तक है। इसमें से कुछ मैंने कटिंग की है, जिसकी वजह से मैं आपको ये लिखकर जो है वो सेंड भी करूँगी और आपको पढ़ाऊँगी भी। स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिएगा जो पेज नंबर मैंने आपको बताए हैं उनको पूरी तरह से रीड कर लीजिएगा, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। लेकिन आपको शॉर्ट करके ये आंसर मैं ये आपको बता रही हूँ। तो ये इसका आंसर स्टार्ट होगा, देयर आर थ्री माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान में ये तीन इसके सिलसिले हैं। इन माउंटेन्स के, किन माउंटेन्स के, जिसकी उन्होंने डिमांड की है क्वेश्चन में, वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स की। ठीक है, दीज माउंटेन्स रेंज आर, ये पहाड़ी सिलसिले कौन कौन से हैं। नंबर वन, तीन आपने यहाँ पर पढ़ा है कि तीन है। आज मैं आपको पहला करवाऊँगी, उसके बाद फर्दन फर्दन अलग से आपको करवाऊँगी। पहला है हिंदूकश माउंटेन्स। हिंदूकश माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान। यानी कि जो हिंदूकश पहाड़ हैं आर सिचुएटेड, कायम हैं किस जगह पर, द नॉर्थ वेस्ट, शुमाल मगरब में, और पाकिस्तान के शुमाल मगरब में हिंदूकश पहाड़ वाक़ है अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सरहद के साथ साथ। तो इसका यानी मतलब हुआ कि अफगानिस्तान की सरहद के साथ साथ हिंदूकश के जो पहाड़ हैं वो शुमाल मगरब में, पाकिस्तान के शुमाल मगरब में वाक़ हैं। द हाइस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज़ तिरचमीर। इस सिलसिले की जो सबसे हाइस्ट पीक यानी सबसे बुलंद तरीन चोटी, ठीक है, वो कौन सी है, तिरचमीर। स्टूडेंट्स, आज आपका ये होमवर्क है, आपने इसको अपनी कॉपीज पर अच्छे तरीके से लिखना भी है और याद भी करना है। कल मैं आपको उसका सेकेंड जो पॉइंट है वो पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।